इंट्रो का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था, मतलब काफी सिंपल था। मूवी स्टार्ट होते ही इंट्रोडक्शन में जनरली हीरो का नाम पहले आता है और फिर हीरोइन का नाम आता है, लेकिन इसमें तापसी का नाम पहले आया और शाहरुख का नाम बाद में आया। मतलब बहुत अच्छी बात है, ये गलत मत लेना इसको, मैं जनरली बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स के साथ बैठा हुआ होता है, फिर एकदम से मन्नू आ जाती है और उसको चलने को बोलती है। तब ये बोलता है कि मन्नू मैं अभी अर्जेंट मीटिंग में बैठा हूँ, मैं नहीं चल पाऊँ, पर ये फिर और कुछ कुछ बोलने लग जाती है और ये उठ के उसके साथ चले जाता है बिना अपने क्लाइंट्स को बोले। अभी 5 सेकंड पहले ही इसने बोला कि मैं अर्जेंट मीटिंग में बैठा, फिर एकदम से यहाँ से उठ के चले गया बिना इन्हें कुछ बोले और जाके मन्नू के साथ टाइम पास कर रहे। वाह चढ़ा ले भाई, ये कैसे हाथ से निकाली खींच के? नहीं, वो सुई अंदर घुसी हुई होती चमड़ी के अंदर, वो निकालते टाइम थोड़ी बहुत हिल जाती तो। हार्डी अपना चश्मा निकाल के यहाँ सामने लटका लेता है और पूरा रेस ऐसी दौड़ रहा है। भैया मजा ले चश्मे की, वहाँ से नीचे गिर जाए। दौड़ते टाइम कितना ज्यादा हिल रहा था चश्मा, लेकिन बिल्कुल वहाँ से गिरा ही नहीं, जैसे बिल्कुल फेविकॉल से चिपका रखा हो। मन्नू ने हार्डी को दुबई बुलाया है और हार्डी ने अभी कंफर्म भी नहीं किया कि वो दुबई आने वाला भी है कि नहीं। मतलब अभी हार्डी को यही नहीं पता कि दुबई जाना भी है कि नहीं, और जाना भी है तो क्या काम से जाना। और इधर मन्नू ने इनसे ये बोल दिया कि हम दुबई जा रहे हैं और दुबई से हमको हार्डी इंडिया लेके जाने वाला, ये बात इसने कंफर्म कर दी। मतलब अभी यही कंफर्म नहीं है कि हार्डी खुद भी दुबई आने वाला है कि नहीं, और मन्नू के ऐसा बोलने पे इसने अपनी दुकान बेच दी और इसने अपनी नौकरी छोड़ दी। भाई नहीं तो अगर हार्डी इन इंडिया नहीं ले जा पाया तब फिर ये लोग क्या करेंगे? बाय द वे इसने अपनी दुकान बेच दी है, मतलब इसके पास अपनी खुद की दुकान है। नहीं, जब ये लोग डंकी मार के आए थे तब इनके हाथ में फूटी कौड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था इनके पास, और अभी इसके पास खुद की दुकान है लंदन में, तो भाई ये तो एक अचीवमेंट है। एक मिनट, इसने ये हेडफोन कान पे ही लगा रखे ना? नहीं पता नहीं देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि कान से काफी ज्यादा नीचे लगा रखे। चल फिल्म लगा कोई चंगी जी, मन्नू को बोलता है चल बढ़िया सी कोई फिल्म लगा, लेकिन भैया उसने हेडफोन पहन रखा है, अगर वो लगाएगी भी तो सुनाई तो उसी को ही देगा ना, और अगर तेरे को पिक्चर देखनी ही है तो अपने स्क्रीन पे खुद लगा ले। और मन्नू जब मूवीज वाले सेक्शन में घुसती है तो इस वाले मूवी में ये कैरेक्टर वही है 25 साल से इन लोग की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं लंदन से इंडिया जाने के लिए। मतलब इसने पिक्चर भी कर रखी और पता ही नहीं, मतलब क्या बात, या फिर इन्हें पता और हमें नहीं बताई गई, ये तो गलत बात है। इस न्यूज़पेपर के जस्ट बगल में यहाँ पे ये 2 डायरीज पड़ी हुई है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे वहाँ से डायरी गायब हो जाती है और ये कैलकुलेटर आ जाता है, और ये दोनों डायरीज यहाँ पीछे अलग ही कहीं चले गई। इसने ये फोटो न्यूज़पेपर के अंदर मतलब बिल्कुल बीचों बीच रखी थी, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे फोटो नीचे की तरफ सरक जाती है, और न्यूज़पेपर के बगल में ये कैलकुलेटर की पोजीशन देख लो कैसी पड़ी हुई है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे वो भी चेंज हो जाती है। इस फाइल के ऊपर अभी कोई भी डिग्री मतलब कोई भी पेपर नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे वहाँ पे पेपर प्रकट हो गया और फिर अगले ही पल वापस से वहाँ से पेपर गायब हो गया। ये मैं पेपर ऐसा क्यों हो रहा, पेपर होते पेपर क्या होता है पेपर। अभी इस विंडो पे यहाँ पे कोई भी डब्बा नहीं अटका हुआ है, लेकिन वही जब इसी सीन को अंदर के एंगल से देखते हैं तो यहाँ पे डब्बा अटका हुआ है जिसे आंटी अंदर करने की कोशिश कर रही है। अभी मन्नू हार्डी से कितनी ज्यादा दूर खड़ी हुई है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे मन्नू हार्डी के बिल्कुल बगल में ही आ जाती है। Tell me, where are the kidneys in the body? तो बुग्गू जो है वो वीजा अप्लाई करने के लिए नकली डॉक्टर बन के जाता है, वो भी किडनी स्पेशलिस्ट, जिसमें ये अंग्रेज इससे सवाल पूछता है कि वेयर आर द किडनीज इन अवर बॉडी, और इस भाई साहब को भैया वो भी नहीं पता। नहीं भाई लिटरल तुम डॉक्टर बन के गए हो, वो भी किडनी स्पेशलिस्ट। यार किडनी स्पेशलिस्ट बन के गए हो तो उसका सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है किडनी बॉडी में कहां होती है, एटलीस्ट वो तो याद करके जाता मेरे भाई। लेकिन नहीं भैया, हम तो उतनी भी मेहनत नहीं करेंगे। और इस अंग्रेज के बगल में ये जो बाकी के लोग बैठे हुए हैं वो भी लगातार इसी को देखे पड़े। अरे भैया अपने क्लाइंट्स पे भी ध्यान दे दो थोड़ा। यहां पर ये सभी लोग एक साथ एक ही लड़की से शादी करने आए हैं। नहीं मतलब वाह क्या टाइमिंग है। नहीं मतलब इन सभी को सेम डेट और सेम टाइम देने की जरूरत क्या थी, इन सभी को अलग अलग डेट और अलग अलग टाइम भी दिया जा सकता था। नहीं मतलब आखिर उस बंदे ने किया तो फ्रॉड ही है ना, तो सबको अलग अलग डेट और टाइम भी दे सकता था। और एक मिनट, इन सभी को इस लड़की के अलग अलग नाम क्यों बताए हुए हैं? ओए तो मेरी डायना है, मेरी मारिया है, मेरी लीजा है, मेरी सिंथे है। कोई बोल रही है मेरी मारिया है, कोई बोल रहा है मेरी सिंथे है, कोई बोल रहा है मेरी कैथरीन है। नहीं सबको अलग अलग नाम बताने की क्या जरूरत है, सबको सेम नाम ही बता देते, क्या ही फर्क पड़ता। नहीं मतलब सबके लिए अलग अलग नाम सोचने की भी मेहनत क्यों ही की। और अभी इस बंदे के हाथ में कोई पेन नहीं है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने में हाथ में पेन प्रकट हो गई है। यहाँ पर कैथरीन से शादी करने के लिए 6 लोग आए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट यहाँ पर अभी सिर्फ 5 ही लोग बैठे हुए हैं। तो वेयर इज द छठा पर्सन, बट वेयर विल द छठा पर्सन गो? और यहाँ पर सिर्फ एक बल्ली ही है जिसे काफी ज्यादा दुख है कि उसकी शादी कैथरीन से नहीं हुई, मतलब उसको वीजा नहीं मिला, वीजा नहीं मिलने की दुख है उसको, कैथरीन से शादी ना होने की दुख नहीं है, समझे ना। जोक्स अपार्ट, मतलब इनमें से बल्ली ही है जिसे काफी ज्यादा दुख है कि उसका काम नहीं हुआ, बाकी के 4 लोग को देख के उतना कुछ खास लग नहीं रहा, मतलब बाकी के 4 लोग उतने टेंशन में दिख नहीं रहे जितना बल्ली है। जब ये बंदा इनको धोखा देके इनके साथ फ्रॉड करके यहाँ से भाग ही गया तो दुकान खुली क्यों छोड़ गया? शटर बंद करके ताला लगा के जाना चाहिए ना? नहीं शायद इसीलिए खुली छोड़ गया ताकि जब लोग इसके पास वापस आए तो उनको शटर के बाहर धूप में ना खड़ा होना पड़े, अंदर आराम से पालगुटी मार के बैठ सके जैसे ये बैठे हुए। नहीं मतलब ये तो वही बात हो गई कि पूजा भी करता हूँ जाप भी करता हूँ कि भगवान ना बन जाओ इसलिए पाप भी करता हूँ। ये आदमी उल्टी दिशा पे जा रहा है, वो भी यात्रा के बीचों बीच से। नहीं वाह, अरे भाई साइड से चल दे यार। 2 लोग यहाँ से चले गए, 4 के 3 कंधे हो गए, लेकिन फिर भी पीछे से कोई आया ही नहीं कंधा देने के लिए। बुग्गू अभी ऑलरेडी इस बोर्ड को क्रॉस करके आगे निकल चुका है, लेकिन फिर कुछ 20-25 सेकंड बाद बुग्गू जब इस आदमी को ये पकड़ा कर वहां जा रहा होता है तब वो बोर्ड वाली शॉप बिल्कुल बुग्गू के बगल में ही होती है, जबकि बुग्गू ये बोर्ड देखने के बाद जितना ज्यादा चला है इसे तो इससे काफी ज्यादा आगे निकल जाना चाहिए था। ये डिक्शनरी में कितने शब्द होंगे जी? 1.5, 2 लाख में भी।
मतलब रोज के कम से कम 2,500 गाने गाने पड़ेंगे तब जाके 90 दिन में कोर्स खत्म होगा। इंग्लिश का तो पता नहीं लेकिन भाई की मैथमेटिक्स कमाल की है, मतलब खड़े खड़े एक सेकंड के अंदर जो कैलकुलेशन निकाला है मतलब वाह। जो तुम अपनी लड़कियां लंदन के टिड्डो से बिहाते जा रहे हो, हार्डी आते ही से सबसे पहला लाइन यही बोलता है कि तुम अपनी बेटियां लंदन के टिड्डो से बिहाते जा रहे हो, और फिर कुछ 2 मिनट तक इसे और भाषण देता है, और पूरा भाषण सुनने के बाद लास्ट में ये आदमी बोलता है कि भैया मेरी तो कोई बेटी नहीं है। तो भाई पहले ही बोल देता, इतना लंबा सुनाई क्यों? पर ये ज्ञान तो सवेरे भी तो दे सकता था। अरे ऐसा बोल कि ये ज्ञान तुम मुझे क्यों दे रहे, सवेरे भी तो दे सकता था, ये क्या होता है सवेरे भी क्यों? Why? बात तो सही है। ये पाजी इनके पीछे से इनको क्रॉस करके यहाँ आगे की तरफ आके बैठते हैं, लेकिन वही कुछ 5 सेकंड बाद दूसरे एंगल से देखने पे ये इनके पीछे ही बैठे हुए, क्योंकि यही 2 लाइनें आती है जी अंग्रेजी में। भैया सिर्फ यही 2 लाइनें इसीलिए आती क्योंकि कल इतना ही सीख के तुम क्लास छोड़ के बीच में चले गए, तो आगे की लाइनें क्या घंटा आएगी? यही 2 लाइनें आती है जी अंग्रेजी में और ये खत्म होगी 2 सेकंड में। 2 मिनट बात करने के लिए लगेंगे कम से कम 70-80 लाइनें, कहां से लाएंगे इतनी लाइनें? अगर 2 लाइनें 2 सेकंड में खत्म हो रही है तो उस हिसाब से 2 मिनट बात करने के लिए 120 लाइनें, बट ये बोल रहा है कि 2 मिनट बात करने के लिए कम से कम 70-80 लाइनें चाहिए। नहीं मतलब ठीक है, अच्छा है मैथ्स बंदे का, मैं वो नहीं बोल रहा, मानता हूं मैं, लेकिन अभी भी मेरे टक्कर का नहीं है। तो भैया मैंने एक बैकअप चैनल बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो सबसे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है उसको जाके सब्सक्राइब करो। बट ऐसा क्यों, मैंने बैकअप चैनल क्यों बनाया? क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड करी थी एनिमल मूवी पे, उस पे टी सीरीज ने 2 स्ट्राइक्स दे दिए, जिसके चक्कर में चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गए, और ये वीडियो भी मैं कितनी हिम्मत करके अपलोड कर रहा हूं ये मैं जानता हूं, क्योंकि जब 2 स्ट्राइक आई थी चैनल पे मैं तभी ठान लिया था कि 90 दिन तक जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं हो जाती मैं चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करूं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि नहीं यार 90 दिन तक अपलोड नहीं करना बेवकूफी होगी, तो फाइनली मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। रिक्वेस्ट, बाय।